कालेधन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने 200 से ज्यादा मामलों को सीबीआई और ईडी को रेफर किया है। सीबीआई और ईडी को रेफर किए गए मामलों पर सीबीआई और ईडी एक्शन ले सकती हैं। कैश और ज्वेलरी बरामद होने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई में करीब 72 करोड़ की ज्वेलरी और कैश बरामद किए थे, जिसमें 6 करोड़ रुपए की नई करेंसी थी। आईटी डिपार्टमेंट ने 57 लोगों के खिलाफ रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसके अलावा वहीं आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 31 लाख के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए नोटों में 500 और 100 के नोट शामिल है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता के बड़े कारोबारी पारस मल्होड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पारस मल्होड़ा को अदालत में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के बड़े कारोबारी पारस मल्होड़ा को गिरफ्तार किया है। पारस मल्होड़ा को ईडी ने 25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पारस मल मुंबई से मलेशिया भागने की फिराक में था, जब उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पारस मल्होड़ा कोलकाता के बड़े व्यापारियों में से एक है। आरोप है कि पारस मल ने चेन्नई के रेत कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन का काला धन सफेद किया था। शेखर रेड्डी और रोहित टंडन के यहाँ छापेमारी में जब्त करेंसी का ताल्लुक भी पारस मल से ही है। पारस मल को कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि पारस मल्होड़ा के कई नेताओं, वकीलों और सरकारी अधिकारियों से गहरे संबंध थे। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव को पद से हटा दिया गया है। राम मोहन राव के यहां छापे में 30 लाख कैश और 5 किलो सोना बरामद किया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने 24 घंटों तक राव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। चेन्नई में रेत कारोबारी शेखर रेड्डी के यहां छापेमारी में राम मोहन राव के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। Been running here. This is the charge we have been making for quite a long time. The entire government is a corrupt government. Money is they take money out of everything. No schemes were completed. Half the money goes to the pockets of the ministers and officials. Here it is an ADMK man. He's an ADMK close to ministers and he's a contractor. This only shows that the corrupt government has been running in the state, administering the state for the past 5 years. बता दें कि राम मोहन राव की जगह गिरिजा वैद्यनाथन तमिलनाडु की नई चीफ सेक्रेटरी बनाई गई हैं। गिरिजा वैद्यनाथन 1981 बैच की IAS ऑफिसर हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। इस कार्रवाई के बाद आयकर विभाग के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। पता चला है कि नोटबंदी के बाद से महानगर कोऑपरेटिव बैंक में 100 से ज्यादा नए खाते खुले। ये सभी खाते 9 से 15 नवंबर के बीच खोले गए। इनमें से कुछ खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तक जमा हुए। आयकर टीम अब वासवानी परिवार के 8 बैंक लॉकर खोल रही है। इनमें से एक एक लॉकर PNB और SBI बैंक में है, जबकि 6 लॉकर महानगर कोऑपरेटिव बैंक में ही मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशील वासवानी के खिलाफ आयकर विभाग की ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि सुशील वासवानी की पत्नी किरण वासवानी इस बैंक की चेयरपर्सन है। उनके अलावा सुशील वासवानी, मंत्री उमा शंकर गुप्ता, उनकी पत्नी राधा गुप्ता और संघ नेता शशि भाई सेठ इस बैंक के डायरेक्टर हैं। नोटबंदी के बाद कैश की कमी के बीच राहत की एक बड़ी खबर आई है। अब तक सामान डिलीवर करने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील पर अब आप पैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर पर कंपनी आपके घर पैसे पहुंचा देगी। ई कॉमर्स क्षेत्र की यह कंपनी आपको वह पैसे देगी जो इसे कैश ऑन डिलीवरी में मिलते हैं, यानी ऑर्डर पर सामान मंगवाने के बाद जो पैसे कंपनी को मिलते हैं उसे कैश एट होम सर्विस के जरिए आपके घर पहुंचाया जाएगा। हालांकि ATM की तरह यहां भी एक शर्त है कि आप एक बार में 2,000 रुपए तक ही कैश मंगवा सकते हैं। पैसे मिल जाने पर आपको अपने ATM कार्ड से पैसा कंपनी को देना होगा। इसके लिए बुकिंग के वक्त ही फ्री चार्ज या डेबिट कार्ड के जरिए मात्र 1 रुपए का सुविधा शुल्क देना होगा। खास बात यह है कि कैश ऑर्डर करते वक्त आपको कोई सामान मंगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्नैपडील के को फाउंडर रोहित बंसल के मुताबिक देश तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा वक्त रहते नई पहल शुरू की गई है। यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सफाई कर्मी की नौकरी के लिए डिग्री धारी लोग नाले में उतरकर साफ सफाई कर रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि नाला साफ करते इन लोगों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। मुरादाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारी के 1083 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई। 1083 पदों के लिए 85,000 आवेदन आए। मुरादाबाद नगर निगम ने आवेदकों का प्रैक्टिकल टेस्ट लेने का भी फैसला किया और युवाओं को बिना सुरक्षा इंतजाम के नाले में उतार दिया। इंटरव्यू प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये नाले में बढ़वाने के लिए प्रयोगता थी, उसमें नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है, कार्य करने के बाद सफाई की, सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा। मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं बीकॉम पास और मास्टर ऑफ कॉमर्स करता हूँ।